हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं एग्जाम नीति का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन 20 में से आपको कितने आंसर सही मिले हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में पास होना चाहते हैं तो 20 में से कम आपको 15 के आंसर सही देने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इससे पहले मैं कई क्विज़ अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आप उनको देख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और डिसलाइक या लाइक जो भी आपको करना है वो करके ज़रूर जाना, बिना करे मत जाना। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है। पहला बंदरगाह कौन सा है भारत में स्वतंत्रता के बाद जिसको विकसित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि कांडाला। 1950 में 1950 में इस पतन को बनाया गया था। पहले कराची पतन ही सब चीज़, जो भी कराची पतन था, कराची पोर्ट जो था उसी से सारे काम होते थे। लेकिन कराची पोर्ट क्योंकि पाकिस्तान में चला गया था आज़ादी के बाद, इस वजह से ही भारत में कांडाला जो पतन है या पोर्ट है उसको बनाया गया था। कांडाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा का डेल्टा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। ये डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना होगा, ये डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा वाला करेंगे जिसमें हमको नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है ये बताना है। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर और ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो है पेराम्बूर चेन्नई में, और ये पड़ता है तमिलनाडु में। आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु में ही पड़ता है चेन्नई, तो वहीं पर स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर पांचवा है जिसमें हमको बताना है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है 1911-1921 में। ये वो काल अवधि थी जिसके दौरान भारत में ऋणात्मक यानी कि -0.31% जनसंख्या कम हुई थी हमारे देश में, -0.31%। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि आकाशगंगा या मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। आकाशगंगा या मंदाकिनी सबसे पहले, हमारी आकाशगंगा नाम मंदाकिनी आपको पता होगा, ये सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहां पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको पता है कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मैं एक बार सही से इसको बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लो बीच में सूर्य हो गया बड़ा सा, ठीक है, अब इसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहला जो ग्रह होता है वो होता है बुध, दूसरा होता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी का नंबर, और चौथे नंबर पे आता है क्या, मंगल। मंगल जैसे ही मंगल चौथा नंबर पे मंगल आ गया, और उसके बाद का जो बीच का जो इलाका रहता है इसमें घूमते हैं धूमकेतु, ठीक है। बहुत सारे धूमकेतु, आकाशीय पिंड आप इनको बोल सकते हो, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बृहस्पति का नंबर, तो बीच में एक लाइन बनाते हैं ये धूमकेतु, और ये चक्कर किसके लगाते हैं हमसे ये पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो ये वाले भी जितने हैं ये सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ये जो धूमकेतु है ये अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, जिसमें मिक्सर होते हैं ये बर्फ के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के, अमोनिया के, और भी बहुत सारे अलग अलग मेटल के ये मिक्सचर होते हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां है जिसमें हमको बताना है कि एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी होती है। जब भी हम बोलते हैं खगोलीय मात्रक, तो इससे ये माना जाता है कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है।
सो यहाँ पर से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 14,95,00,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। सौरमंडल में सबसे नज़दीकी जो ग्रह है सूर्य के, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बुध, और बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला है और इसी ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, क्योंकि ये लगभग लगभग आकार में पृथ्वी की ही तरह लगता है, मतलब साइज में जो है पृथ्वी की ही तरह लगता है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी वायुमंडलीय परतें हैं वो कितनी हैं ये हमको यहाँ से बताना है। तो ये टोटल हैं 5। मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस की हुई थी जिसमें क्षोभ मंडल शामिल है, समताप मंडल शामिल है, मध्य मंडल शामिल है, आयन मंडल शामिल है और वायुमंडल शामिल है। ठीक है, वायुमंडल ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके का है ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये स्टार्टिंग से क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। याद रखिएगा 5 मंडल वायुमंडलीय परतें हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक विस्फोटीय तारा है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब हमारा जो तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो मान लीजिए सूर्य धीरे 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 जब एक ना एक दिन तो उसको ख़त्म होना ही है, कहीं करोड़ साल बाद, कहीं हजारों करोड़ साल बाद जो है, जब वो सूर्य ख़त्म होने की कगार पे होगा, जब उसकी एनर्जी ख़त्म होने की कगार पे होगी, तो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और ठंडा होकर वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, बिल्कुल लाल और बड़ा हो जाएगा अपने साइज से। तो जो वो बड़ा हो जाएगा उसको बोलते हैं लाल दानव। ठीक है, और लाल दानव के बाद ही जो फॉर्म बनती है वो बनती है सुपरनोवा की। और सुपरनोवा एक ऐसी स्टेट हो जाती है जहाँ पर वो ब्लास्ट करता है। ठीक है, ब्लास्ट करता है और अलग अलग चीज़ों में डिवाइड होता है। ओके, सो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसी सुपरनोवा के बनने के बाद ही मतलब ब्लैक होल हो गया और क्वेसर हो गया, पल्सर हो गया, इन सभी चीज़ों में अलग अलग जो है डिवाइड होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या सौरमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक विस्फोटीय तारा है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत आई नहीं जाती है, पाई जाती है लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पर होती है, कौन से मंडल में होती है ओजोन परत। सो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और ये समताप मंडल में होती है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है या मकर रेखा को काटती है 2 बार। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये हमें यहाँ से बताना है। तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये जो नदी है ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसी के अलावा एक और नदी का नाम आपको ध्यान रखना होगा जिसका नाम है कांगो नदी, और ये कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये स्थित है अफ्रीकी महाद्वीप में, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और ये भी स्थित है अफ्रीकी महाद्वीप में। तो दोनों ही अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। अगर आपको कोई श्वेत प्रकाश बनाना है, सफ़ेद रंग का प्रकाश बनाना है, तो आपको टोटल 7 रंगों का मिश्रण करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। इन 7 रंगों में शामिल है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। तो जब आप इन 7ों को मिलाएंगे तो बनेगा सफ़ेद रंग। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की करेंसी को बोला जाता है क्या, कियात। डॉलर अमेरिका में, रुपया भारत में और टका चलता है बांग्लादेश में, कयात चलता है म्यांमार में।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पर स्थित है? सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? सो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? सो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी चौधरी को पहली बार ये पुरस्कार मिला था, इनको ये दिया गया था पुरस्कार 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये प्रश्न भी बनता है, तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? ब्राउन पेपर के नाम से किसे जाना जाता है? सो ब्राउन पेपर के नाम से जूट, जो कि एक नकदी फसल है, जूट को ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इन 20 में से आपने 15 क्वेश्चन हासिल करके